Hello and welcome, guys. My name is Imran Ismail, and I'm here with Anurag, Kashyap, and Nawazuddin Siddiqui. Hello, how are you doing? We are good. Nawaz just said he gym karta hai. हाँ थोड़ा बहुत sir. थोड़ा बहुत नहीं बहुत करता है. Alright, sir. Start से करना. Nawaz के साथ में आपका ऐसा equation है जहाँ पे Nawaz set पे होते हैं तो आपकी आंखें सबके लिए बंद हो जाती है और खाली आप Nawaz पे focus करते हैं. ये हमें पता है. So ये second बिल्कुल नहीं set पे भी हुआ है. बिल्कुल नहीं है. मेरी दो आंखें नहीं, काफी आंखें नहीं. जब ये होते तो आपका फोकस मेनली इनके ऊपर होता है, ऐसा इक्वेशन आपका इनके साथ में, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता. मेरा काफी फोकस होता है इन पे. ओके. हां, क्योंकि मेरी कहानी के प्रोटैगनिस्ट यही है, प्रतिनिधि यही है. लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा फोकस कहानी पे होता है. ओके. और कहानी के सेंटर में Nawaz चल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें भी वैसी जाती हैं. मुझे तो इन्होंने लाइफ में ये स्पेशल अटेंशन दिया है डेफिनेटली. और कहानी जैसे सर ने बताया, कहानी बिल्कुल कहानी की तरह लेके चलते हैं. गलत बात, आपने मेरे प्यार को स्पेशल अटेंशन का नाम दे दिया. ये प्रेम है. हमारे बीच का प्रेम है, इसको आपने स्पेशल अटेंशन कैसे बोल दिया? नहीं नहीं, लाइफ में, लाइफ लाइफ में हमारा प्रेम है एक्चुअली. सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए था जब ये बात हुई थी. आपको किसी ने पूछा था कि गायतोंडे का कैरेक्टर कैसा हो रहा है. आपने कहा कि अभी अंडर डेवलप्ड है. अब गायतोंडे कैसे निकल के आए कैरेक्टर में? मैंने अभी एक ही एपिसोड देखा है और मैंने सुना है कि बहुत अच्छा सबका कैरेक्टर ऑफकोर्स बहुत अच्छा निकल के आया है. और मुझे मतलब जितना हमने सोचा था, जितना हमने कोशिश की, जितना कोशिश कर सकते थे उतनी की है हमने, तो लोगों के ऊपर है. सर, बट Nawaz हर बार कैरेक्टर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे लोगों से बहुत सारे इंस्पिरेशन लेते हैं, अपने आजू बाजू वालों से देखते हैं, उनकी तौर तरीके देखते हैं. तो गायतोंडे को कैसे आपने ढूंढा, कहाँ ढूंढा, कहाँ देख के ढूंढा आपने? गायतोंडे को जो मुझे ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक हम लोगों ने सीरीज शुरू करने से पहले हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ था और काफ़ी नुएंसेस, काफ़ी डिटेल्स में सर ने बताया था मुझे कि इस तरह से हम डेवलप करेंगे उसको, ऐसे लेके जाएंगे हम लोग. तो उसी से काफ़ी, और फिर जब शुरू हुई तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ऑर्गेनिकली बढ़ते चले गए. अकॉर्डिंग टू अनुराग, आपसे आपसे पूछूंगा, गायतोंडे किस हिसाब से निकल गया, किस कुक से? गायतोंडे बहुत, अभी तो आपने दो ही लेयर देखी है. वो क्लब सैंडविच का ऊपर का ब्रेड और नीचे का ब्रेड ही है इसमें. बीच का पूरा माल भी आना बाकी है. आना बाकी है अभी, काफ़ी माल आना बाकी है. बट गायतोंडे एक पूरी जर्नी है, एक लाइफ टाइम की जर्नी है एक आदमी की, जिसकी जर्नी के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आता है. चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है, जो जो उस नॉवल में है, जो जो सीक्रेट गेम्स बुक में है, काफ़ी काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी कंटेम्प्रेरी भी है. Alright. और इट गिव्स अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री वी लिव इन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इट एंड द रिलीजन ऑफ इट एंड एवरीथिंग दैट वी आर डीलिंग विद ऑन एन आउटसाइड लेवल. सर, बट आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. अभी टीवी इतना है, मूवी है, बट आपको लगता है इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट करना है तो लोग खाली वेब चूज कर रहे हैं, पढ़नी नहीं चाहिए. सच कहने में क्या करेज है, लेकिन ऐसा हो गया कि सच कहने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है आजकल. और Nawaz सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वेब है जहाँ पे आप खुल के कर सकते हो, तो आपने फुल स्विंग में सब कुछ किया? बिल्कुल, ऑफ कोर्स. क्योंकि हमें वो चांस मिला है इसके थ्रू, नेटफ्लिक्स के थ्रू, कि भाई जो कैरेक्टर है उसके पूरे जितने भी एस्पेक्ट हैं, उसके इमोशंस के, जितनी भी उसके डेप्थ में जा सकते थे, तो गए हम लोग. ऑलराइट अनुराग सर, मैंने आपके बहुत सारी बातें सुनी है. राइट, एक टाइम था जब आपने सोचा कि मैं सब छोड़ के चले जाऊँ, जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, तभी मैंने आपकी ये इंटरव्यू सुना था आपका, कि आपको लगता है कि आपके लिए ये इंडिया है ही नहीं. बट आपके लिए भी खाली इंडिया नहीं, पूरा वेब है, पूरा वर्ल्ड है जहाँ पे आपको ग्लोबल ऑडियंस देखना चाहती है. तो अब फीलिंग कैसी है? वो टाइम पे आप छोड़ के जाने चाहते थे, अब क्या है? तो मैं तो वैसे ही घूमता रहता हूँ. मैं तो टिकता तो ही नहीं. और नेटफ्लिक्स के जरिए अब मैं कहानी कहीं भी कह सकता हूँ. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुझे अपनी कहानी कहने के लिए अब कोई और भाषा सीखने की जरूरत नहीं है. वो किसी भी भाषा में देखी जा सकती है और उसको भाषा में ट्रांसलेट करने का काम भी मेरा नहीं है. Okay. मैं अपनी भाषा में अपनी कहानी कहूंगा. सो फुल फ्रीडम है आपको अभी, और आप फुल फ्रीडम के लिए तो मैं हमेशा फ्री ही फील करता हूं. मैंने अपने आप को रोका ही नहीं कभी. सर, बट ये बुक है. ओके, आप डिसाइड कैसे करते हो ये कैरेक्टर के लिए हम इतनी चीजें उठाएंगे और ये कैरेक्टर के लिए हम ये नहीं उठाएंगे? मतलब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, बिकॉज एक प्रोसेस पूरा विक्रम मोटवानी और वरुण ग्रोवर कर रहा है. मैं तो लिखे जाने के बाद आया था. ओके,
सो मेरा प्रोसेस तो उसके बाद शुरू हुआ। सो पर्सनली नवाज आप कैसे सिलेक्ट करते हो, जैसे बुक है उसमें गायतुंडी का कैरेक्टर है राइट, आप उसमें डिसाइड कैसे करते हो कि मुझे ये चीजें गायतुंडी की लेनी है ये चीजें नहीं लेनी? नहीं, मुझे कोई मैं किसी भी आदमी को या कैरेक्टर को मैं जज नहीं करता हूँ कि ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, ये चीज आप एज इट इज जो है वो उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी है। ऑलराइट, और सैफ के साथ में फर्स्ट टाइम आपने काम किया है, उन्होंने कहा कि अलग अलग पोर्शन शूट हुआ है, विक्रम ने उनका पोर्शन शूट किया, आपने नवाज का किया है, और आप ब्रीफ सेकंड के लिए खाली एक दूसरे के सामने आते हो, तो वो टाइम पे एनर्जी कैसी रही थी आपकी फर्स्ट टाइम जब? मैं तो जब वो आते हैं तब तक दूसरी दुनिया में जा चुका होता हूँ। ओके, आप मतलब अपने जब वो आते हैं ना तो मैं तो ऑलरेडी उनका इंटरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग है, एकदम अलग है। आपने सीरीज में कभी एक दूसरे के सामने नहीं आया, पूरा टाइम खाली दूसरे के थ्रू ही हुआ, और आपने डिफरेंट पार्ट शूट किया है, खाली इनकी गाने शूट किए, उन्होंने सैफ के गाने शूट किए। राइट, तो मुझे बताइए उनका कैरेक्टर कैसे आपको लगा, जो सैफ का कैरेक्टर है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से आ रहे हैं, उनको वल्नरेबल दिखना ये सब करना जो हमारे हीरो को अक्सर बोला जाता है, भाई हीरो कमजोर नहीं होता, तो फर्स्ट फ्रेम से हीरो होता है, वो तो चलता ही स्लो मोशन में, तो रियल टाइम में सब कुछ कर रहा है, एकदम वल्नरेबल वीक, समबडी विद एंजाइटी अटैक, समबडी इज अ लूजर who's literally trying to find his ground. And Saif ne itna honestly portray kiya, main to bahut kayal hoon unhone jo kaam kiya. Okay. Sir, aapne yahan pe bhi real locations pe shoot kiya Mumbai mein, har jagah pe ja ja ke, to yahan pe experience kaisa raha unke sath mein use karne shoot karne se, aapne kaha ki mainstream wo to Vikram ne shoot kiya lekin kafi acha raha. Saif bhi game the, wo bhi real location pe shoot kiya unhone Vikram ke sath, pehle bhi kiya. Haan, to wo us real ka maza hi alag hai. वो टाइम लगता है, अभी सब चीजें रियल होती जा रही हैं। जब भी आप लोगों को रास्ते पे छोड़ देते थे, मोबाइल से शूट करते थे, वो सब टाइम नहीं रहा। नहीं नहीं, अभी भी वैसे ही करते हैं। अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। हम नहीं रोकते अपने आप को। हम सबको करते हैं, सबके साथ ऐसे शूट करते हैं। हमने मनमर्जी में अभिषेक के साथ वैसे शूट किया, रास्ते पे छोड़ के कैमरा छुपा के शूट किया। बट सर, अभी आप एक टाइम था जब भी आपको आप बहुत चीजें के लिए मतलब पैसे के लिए आप यहाँ वहाँ दौड़ते थे, आपकी मूवी बनाने के लिए मूवी बना, बट लोग अभी आपके पास आ रहे हैं। So, अनुराग काश्यप फुल स्टाइल में वेब पर भी हम हर जगह देखने मिलेगा अभी? यार मैं तो काम करता रहूंगा, तुम्हें कहाँ देखना तुम डिसाइड कर लो। लेकिन सर, आपने एक बात कही थी कि आपका जो नीच कैरेक्टर है वो लैपटॉप पे देखने वाला है, आपके जो मूवीज होती है जो लोग लैपटॉप पे देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो अभी तो वेब आ गया है, अभी तो सब लैपटॉप पे देखिए, मैं उनमें से एक हूँ जो लैपटॉप पे देखना पसंद करूंगा। नेटफ्लिक्स इज लाइक गिफ्ट फ्रॉम गॉड्स टू मी एंड आई वांट टू एम्ब्रेस इट। ऑलराइट, एंड आई डोंट वांट टू लेट इट गो। ओके, this is it, what it is for me. All right, so आपका लास्ट एक डायलॉग याद आ रहा है, you don't owe it to anyone, you owe it to yourself. Yes. आप हमेशा कहते हो? हाँ. आप agree करते हो सर इसे? बिल्कुल. नहीं, I said nobody owes it to you, you owe it to yourself. You owe it to yourself. So thank you so much for chatting with me. I hope second game बहुत beautiful तरीके से भारा है. It's coming on 6th of July. 6th of July. And all the episodes are coming. हाँ, 6th of July को कोई सोने वाला नहीं है. All right, so we are out. Thank you so much, guys, for watching Anurag and Nawaz in the house.